दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस चलाने वाले ड्राइवर ने अपने घर में पारिवारिक तनाव के चलते अधिक शराब के नशे में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। वहीं पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के निरंजनपुर में रहने वाला 35 वर्षीय जयदीप सिंह ने अपने मकान के पास खाली कमरे में जाकर अपने आप को गले में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक पिछले 15 वर्षों से शहर के नामी स्कूल DPS की बस चालक के तौर पर काम करता था, लेकिन पारिवारिक कलह से वो इतना परेशान हो गया था कि शराब का नशा करने को मजबूर हो गया था कि उसने नशे की हालत में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तो पारिवारिक विवाद की बात आई है, पत्नी से कोई विवाद चल रहा था इनका। पत्नी का नहीं चल रहा था, ऐसा कोई दारू पीने के आदि थे वो। अच्छा, नशे के चक्कर में कर गया। अच्छा, क्या करते क्या थे ये? ये ड्राइवर करते थे। कहाँ पर? दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस चला। कहाँ रहते थे? वो रहते कहाँ? निरंजन। कोई सुसाइड नोट मिला इनका? नहीं, कुछ नहीं। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में इनका एक बेटा, एक बेटी है, वाइफ है। किन्ने देखा था फांसे पे लटका हुआ इनको? पड़ोसी ने देखा था, घर वालों ने देखा था। घटना के समय कोई नहीं था क्या घर पर? नहीं, कोई नहीं था। कहाँ गए थे सब लोग? सब मतलब ये दूसरे कमरे में सामने किराए पर रहते थे। अच्छा। सामने की गली में। और घर वाले गए जब देखा उन्होंने मकान मालिकों ने, फिर घर वालों को सूचना दी, फिर गेट खोल के देखा था। कब करी घटना, कब की? ये आज रात को दौड़ाई गई। करिंदर सिंह, उम्र 38 साल का, ये अपने घर में फांसी लगा के आया है। इसमें धन्य ड्राइवर ने साइन करा है। क्या कुछ सुसाइड नोट मिला या कुछ परिजनों से बात की तो कुछ बताया? जांच जारी है, इसमें पता नहीं पाऊंगा कि सुसाइड मिला या नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।